आज लम्हे खास आ गए। चैनल तो गाइज मैं कविता आ गई हूँ आप लोगों के साथ फिर से एक नया ब्लॉग लेके, और आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे। चैनल मौसम देखिए, बारिश कितना सारा हो रखा है, और हम जा रहे हैं आज घास, क्योंकि आज भैया ने तो सू को देखा इसलिए मैं जा रही हूँ घास, वरना मैं रोज जाती हूँ इनके साथ। और मौसम पहाड़ी में इसलिए नहीं बोलती हूँ क्योंकि मेरे इसमें ज्यादा देसी वाले है, देश वाले हमने ज्यादा ये पहाड़ की कम है ना, ये ज्यादा वही रही है। अरे मिज की जो सब्सक्राइब हन है वो देश सन, ये देखिए लमयुमा के मनान हैं, लमयुमा को आ जा रहो आगे आगे दो घसारी, ये देखो क्या गई। ये मेरी बहू रानी है, ये मेरे से बहुत ज्यादा डरती है। हेलो, मैं कितनी क्यूट हूं, कितनी क्यूट है ये दुल्हन वाली। ऐसे लगाते हैं ये गाद, बोलते हैं गाद लगा रहे हैं, उसके बाद इसमें घास डालेंगे, फिर इसको खाली करेंगे, भर जाएगा तो फिर दूसरे बार घास काटेंगे। ये उत्तराखंड की परंपरा है, घास होती है नहीं होती पता नहीं क्योंकि बारिश आने वाला है। और ये हमारी ब्लॉगर मिस कविता जोशी, प्लीज इनको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक कर देना और इनको सपोर्ट कीजिए, ये बहुत अच्छी चाहती हूँ। और मेरे पति परमेश्वर इनकी वीडियो देखते हैं। जिंदगी में आज लम्हे खास आ गए, दोनों के दिल पास आ गए, गाइज ये देखो मेरे उसमें चटका दिया झिमोड़ ने, अल्लाह पापा हो, बहुत ज्यादा दर्द हो रही इसने। ये है देखो, ये है वो कातिल, और इन लोगों के हम मजे आ रहे हैं, ये लोग हंस रहे हैं। इनको भी तो समझना चाहिए झिमोड़ के हाथ हाथ पे कौन लगाता है हाथ। आजकल की बारियां है ये, ऐसी होती है ये बारियां आजकल की, ये चाहती है ऐसा है कि नुकसान हो जाए हमारी सासु को, हमारी ननद को। ननदी सास है ना, तो ऐसा ही होना चाहिए, सासी जैसी हुई है भी। जा ये देखिए गाइज हमारी ब्लॉगर घास काटती हुई, बहुत कामदार हैं, बहुत मेहनती हैं, लगी रहती है अपने काम पे, सफलता मिल जाएगी। ये देखिए हमारी मेरी बेटी है, इतनी बड़ी बेटी होगी मेरी, घास काटती है, बहुत अच्छी बेटी है। ये सब शहर के हैं। और मौसम देखिए गाइज बहुत घनघोर हो रही है, घास अभी हुआ नहीं है, घर जाके सास डांटने वाली है। और ये घनघोर जंगल में आए हैं हम, जंगल के बीच में घास काटने, और घास इतनी अच्छी हो रखी है। ओ यार गाइज घर आ गए हम घास काट के, क्योंकि बहुत तेज बारिश लगने लग गई थी, और जैसे ही हम घर आए बारिश बंद होगी। अब हमारा मन कर रहा है हम दोबारा जाएं, लेकिन ये देखो गुड़िया का पांच, हरियाली के बीच में गुड़िया लाल परी जैसी लग रही है भांग के बीच में। घर आने के बाद मैं बनाने लग गई हूँ चाय, चाय बना रही हूँ मैं मेहमान लोगों के गोठ में। देखिए गुड़िया के लिए भी, अपने लिए भी, मम्मी के लिए भी, तो चलिए चाय पीते हैं। पुराने जमाने के गोठ ऐसे होते थे, इनमें इतना ठंडा होता है, इतना मस्त लग रहा है, लीपा हुआ है लाल मिट्टी से, बड़ी सुंदर खुशबू भी आ रही है, और यहाँ पे मेरा सर भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ज़्यादा ऊँचा नहीं है ना ये। ये देखिए पुराने ज़माने के चूल्हे भी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये हैं पुराने ज़माने के चूल्हे।
खाओगे आप हो रहे हो सबकी तो कम अब पत्ती ज्यादा राही दूध मुकाबले खुद जानी हाँ हम चार चाय बना के चाय पीने लग गए हैं हम। ये देखो दो लोग यहाँ पे हैं, दो लोग हम यहाँ पे बैठे हैं। बारिश बंद हो गई है और मनीषा वहीं है अभी। कहा गया दादू? मामा के साथ सिद्धव तो गई रात के बज चुके हैं 7:45 हो चुके हैं और हमारी रोटी बनने लगी है, सब्जी बन गई है। आज मम्मी बना रही है रोटी, वैसे मैं बनाती तो गैस में बनाती, मम्मी आज आग में बना रही है। दो दिन से मैं बना रही हूँ, आज मम्मी इसलिए बना रही है कि दो दिन मैंने खिला दिया तो आज मैं खिला देती हूँ। ज़्यादा तो यही बनाती है, मैंने बस दो दिन बनाया क्योंकि हमारा मडुआ गोड़ना हो रखा था। मम्मी बढ़ाने दो दिन कहा बढ़ान भला का भला भयान गए। जिसका बोलना ऐसा है कि ऐसा लगता है कि जैसे हमको डांट रही होगी, वैसे डांटती बहुत है, ऐसी है इसकी आदत बचपन से ही, ऐसी है नानी बताती थी। अम्मा तो मैं भली हुई। तो गई गर्मा गर्म रोटी में खाने लग गई हूँ, पापा और अम्मा को दे दिया है और ग्रीस बोल रहा है अभी नहीं खाता हूँ। तो अब मैं गर्मा गर्म रोटी का आनंद लेती हूँ, चूल्हे वाली रोटी का।